हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। मेरा नाम है स्वर्णिमा। तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो, नया ब्लॉग लेके। तो आज मैं जा रही हूँ सुपरमार्केट, मतलब मेरे घर में दूध ख़त्म हो गया। पीहू गई हुई है स्कूल, तो मैंने सोचा जब तक पीहू स्कूल से आएगी मैं क्यों ना जाके दूध ले आऊँ। तो मैं जा रही हूँ दूध और दही लेने, मतलब दोनों चीज़ें लेने जा रही हूँ, और तो सब कुछ है ही, तो दूध दही लेने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हाँ दूध और दही कितने रुपए लीटर, कितने रुपए केजी मिलता है। क्योंकि मैं जब इंडिया से यहाँ आई थी तो मतलब मेरे रिलेटिव बहुत पूछते थे वहाँ दूध कैसा मिलता है, कितने रुपए लीटर मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को भी क्यूरियोसिटी होती होगी कि यहाँ दूध कैसा मिलता है, कैसी पैकेजिंग में मिलता है, कितने कितने रुपये लीटर मिलता है, कौन कौन सा मिलता है। तो मैंने सोचा मैं दूध लेने जा रही हूँ तो क्यों ना इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हाँ दूध कैसे कैसे मिलता है और किस रुपीज़ में मिलता है, मतलब कितने रुपए लीटर मिलता है। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बस निकलते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम एंट्रेंस के थ्रू ग्रॉसरी सेक्शन में चलेंगे क्योंकि सुपरमार्केट बहुत बड़ा है। तो मैं जल्दी जल्दी लूँगी, पीहू के आने का टाइम हो रहा है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे मिल्क सेक्शन में। तो हम आ गए हैं मिल्क सेक्शन में, ये डेरी सेक्शन है, मतलब यहाँ आपको डेरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दूध दही और चीज़ स्लाइस वगैरह। तो यहाँ सारे आपको दूध दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे जो दूध होते हैं पैकेट्स में नहीं मिलते, यहाँ पे 2 लीटर की केन में आते हैं, 1 लीटर की बॉटल में आते हैं और हाफ लीटर के बॉटल में भी आते हैं। तो यहाँ इस तरीके से बॉटल्स और कैन में दूध मिलता है, पैकेट्स में दूध नहीं आता है। और यहाँ जो मुझे मोस्टली दूध देखने को मिला सारा काऊ मिल्क था, मतलब बफेलो मिल्क मुझे यहाँ नहीं देखने को मिला। यहाँ जितना भी लगा हुआ है ये काऊ मिल्क है। तो यहाँ पे आपको दूध की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, जैसे लो फैट मिल जाता है, फुल क्रीम, फुल फैट, तो आपको सारा मिल जाएगा। देखिए ये फ्रेश मिल्क फुल क्रीम मिल्क है, ये भी काऊ है, और ये वाला दूध मैं यूज़ करती हूँ तो इस पे काऊ भी बनी है। तो इसका देखिए ये 1 लीटर की बॉटल है, ऊपर हाफ लीटर की भी है। तो यहाँ पे इस तरीके से दूध मिलता है। यहाँ पे जो इस दूध की लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ होती है, वो 6 डेज़ होती है। तो आपको 6 डेज़ के अंदर इसको कंज्यूम करना होता है, तो ये 6 डेज़ आराम से निकल जाता है। देखिए जो ये रेड कलर की बॉटल आपको दिख रही है ये लो फैट मिल्क है। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 6 डेज़ इसलिए होती है क्योंकि इसमें मेंशन होता है कि ये प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं। पीने में दूध टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है, गाढ़ा होता है और इस पर मलाई भी आ जाती है। तो मैं फुल क्रीम मिल्क लेती हूँ तो पीहू को भी उसका टेस्ट ठीक लगा, मतलब वो इंडिया से आई थी तो यहाँ उसे दूध में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, वो भी आराम से पी लेती है। तो दूध क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और यहाँ कैरमल मिल्क भी मिलता है, 1 लीटर की बॉटल में मिलता है, तो लोग पीते होंगे इसलिए यहाँ मिलता है। देखिए सामने यहाँ दही भी रखी है और ये जो मिल्क होता है यहाँ टेट्रा पैक्स में भी मिलता है। ये सारे जो पैकेट्स लगे हैं ये सारे टेट्रा पैक्स हैं। तो जो टेट्रा पैक्स की लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ होती है, वो 7 मंथ्स होती है। तो इसमें ऊपर मेंशन कर रखा था कि 7 मंथ्स इसकी सेल्फ लाइफ होती है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इसलिए इतने दिन तक चला जाता होगा। मैंने ये टेट्रा पैक तो यूज़ नहीं किया, मैं तो फ्रेश मिल्क ही लेती हूँ। और जो इसका रेट है, रेट इसका है 0.450 पैसा, तो मतलब इतने में आपको 1 लीटर का ये टेट्रा पैक मिल जाएगा।
टेट्रा पैक में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, फुल क्रीम और फुल क्रीम, लो फैट, फुल फैट और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं टेट्रा पैक में भी। और नॉर्मल जो दूध के कैंस होती हैं उसमें आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे और बहुत सारे फ्लेवर्ड दूध भी मिल जाते हैं। यहाँ मैंगो फ्लेवर्ड का भी दूध होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड का भी, तो दूध की यहाँ बहुत सारी वैरायटी है और टेस्ट वाइज दूध अच्छा है। टेट्रा पैक मैंने यूज़ नहीं किया बट जो केन वाला दूध होता है बहुत अच्छा है। तो मैंने ये दही लिया है, कर्ड लिया है, ये भी फुल फैट और लो फैट दो वैरायटी में आता है, 1 kg, 1/2 kg में भी आता है, छोटे छोटे पैकेजिंग में आता है, टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। प्राइस और सेल्फ लाइफ मैंने मेंशन कर दी है तो आप यहाँ से देख लीजिए। तो मैंने ये काउ मिल्क लिया है, फ्रेश मिल्क लिया है, 2 liters की केन ली है, इसका प्राइस है 2 रियाल, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 100 रुपये लीटर हुआ, 2 kg 2 रियाल का हुआ। और इसकी सेल्फ लाइफ 6 होती है, इस पर मेंशन होता है नो वाटर, नो प्रिजर्वेटिव्स और नो पाउडर, और ये मेड इन है UAE का है, टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो अब हम तो यहाँ मैं बिल पे करूँगी और इन्होंने मेरा दूध पैकेट पैक कर दिया है, अब जल्दी जल्दी घर जाएंगे क्योंकि पीयू के आने का टाइम हो गया है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।